कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो किया गया उसका जनता ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल की संसद की सदस्यता छिन जाने से जनता में गुस्सा था और कर्नाटक की जनता बदलाव चाहती थी। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में काफी मेहनत की। राहुल बीजेपी के गलत कामों का जिक्र करते हैं और वे निडर हैं। उन्होंने भारत यात्रा को पूरा करके दिखाया। लोगों का कहना था कि वो इसे बीच में छोड़ देंगे, लेकिन वे इस यात्रा में लोगों से मिले भी और लोगों की समस्याओं को समझा भी। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि अभी जहां जहां भी चुनाव होगा वहां बदलाव जरूर नजर आएगा। बीजेपी ने जहां जोर तोड़ करके सरकार बनाई है वहां लोग नाराज हैं। हर प्रदेश में ऐसा दिखेगा और लोग चाहते हैं कि सुरक्षा और प्रगति का माहौल होना चाहिए। वाड्रा ने आगे कहा कि इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है। सिक्योरिटी को हटा दिया गया, लेकिन हम इससे हिम्मत नहीं हारे बल्कि हम और मजबूत हुए। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाया गया और घर से हटाया गया। इससे लोगों में एक मैसेज गया कि जो शख्स लोगों के लिए लड़ रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, उसे घर से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था। सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सबसे प्रबल दावेदार हैं। सिद्धारमैया प्रदेश में सीएम रह चुके हैं और उनकी गिनती कर्नाटक के बड़े नेताओं में होती है। वहीं डीके शिवकुमार कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। वहीं सवाल का जवाब जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया तो वह जोर से हंस दी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं सिर्फ गांधी परिवार का हिस्सा हूँ, लेकिन इस तरह की चीजों की चर्चा मेरे साथ नहीं होगी, यह फैसला पार्टी ही करेगी। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा एक न्यूज चैनल पर कर्नाटक चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए पहुंचे थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।